दिनकु दिन विश्व में ओडियाक प्रभाव कमिबारे लागिछि। तेबे ओडियावासीको जागृत करिबा उद्देश्यरे एक आलोचनाचक्र भुवनेश्वरस्थित ब्रह्मानंद आश्रम अनुष्ठित होइछि। एथिरे विभिन्न वर्गर लोकमाने योगदान करि किपरि ओडियाकु जागृत करिहेब एवं किपरि कार्यक्रम कले एबेर पीढ़ी जागृत हेबे एहि कार्यक्रम आलोचना करा जाइछि। आपण माने देखुथिबे जे ओडिसा जेभली भावरे विकसित होबा कथा भाषा दिगरु एवं साहित्य दिगरु विचार कले आमे बहुत एवं संस्कृति दिगरु आमे बहुत उच्चर, किंतु जेमिति आशा करिवा कथा ता हो नाही। द्वितीय कथाटी होउछि आपण माने तो जानिथिबे जे सारा देश रे खनिज पदार्थ रे आमे शतकड़ा 30 भाग, जलीय संपद रे 11 भाग एवं मानव संबल दिगरे आमे किछि कम नहु। आज दिल्ली रे जे कोनोसी बड़ विभाग रे आपण देखिबे से मानकर योगदान अछि, किंतु ओडिसार युवक माने ओडिया माने जेभली जातीय स्तर रे एवं आंतरजातीय स्तर रे जेभली परिचित होबा कथा ता हेइ पारु नाहंती। ओडिसार कोटा अछि डेवलपमेंट किछि नै, ओडिसा सब पॉजिटिव इंडिकेटर रे तळे, सब नेगेटिव इंडिकेटर उपरे, गरीबी रे देखिबे उपरे, आपण ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिबे तळे। ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଆଚିଭ୍ କରିଛି? ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ? ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଆକୁ କେମିତି ଏକଜୁଟ୍ କରିବା, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ କରିବା, କେମିତି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିବା ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ।